हेलो बच्चों, माई सेल्फ पंकज तलवार डायरेक्टर अचीव। बच्चों मैं लास्ट 24 ईयर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं पहले 10 ईयर एलन कोटा पर, उसके बाद 12 ईयर करियर पॉइंट कोटा, लास्ट ईयर डायरेक्टर अचीवर करियर इंस्टीट्यूट कोटा। बच्चों इन 24 ईयर्स की जर्नी में मैंने मोर देन 20,000 प्री मेडिकल एस्पिरेंट्स पढ़ाए हैं बच्चों। और अभी आपको मालूम है परसों नीट 2021 आने वाला है, तो उसी की बेस्ट विशेस के लिए, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए अभी मैंने ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए रखा है बच्चों, जिसके अंदर आप आपको कोई क्वेरीज हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, चलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर नीट 2021 रिगार्डिंग एडमिट कार्ड एंड नीट एग्जाम। तो ये आज हमारा बच्चों सेशन का हेडिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके अंदर। ओहो, सबसे पहले तो बच्चों मारे घर पधारे गणपति पापा मोरिया। तो बच्चों मैं शुरू में यही कहूंगा कि गणेश जी से आशीर्वाद ले लीजिए, जिससे बच्चों आप लोग नीट का एग्जाम बहुत बहुत अच्छे से क्रैक कर कर आए और बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट होकर अपने गोल्डन कैरियर की तरफ आगे चले जाएं। तो बच्चों यही मैं आप लोगों को कहूंगा कि विश्वास बनाकर रखिए और भगवान का, गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले लीजिए। चलिए तो बच्चों आज सबसे पहले तो मैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड आप लोगों की कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको आपसे शेयर करता हूं बच्चों। जैसे बच्चों यहां पर इस टाइप का आप लोगों को एडमिट कार्ड मिला है, दिस इज द पेज नंबर वन बच्चों। पेज नंबर वन पर आप लोगों को यहां पर क्या करना है बच्चों, आपकी फोटो पेस्ट करनी है, कैंडिडेट को फोटो पेस्ट करनी है। और बच्चों फोटो वही पेस्ट करनी है जो आपने फॉर्म पे लगाई थी, जो फॉर्म पर आपने लगाई है वही फोटो आपको यहां पर पेस्ट करनी है, ठीक है। यहां पर बच्चों आपको लेफ्ट हैंड का थंब अपना यहां पर जो है वो लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन देना है, लेकिन अभी से नहीं, वो इन प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर होगा, मतलब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही बच्चों आप लोगों को उसको करना है। अब आता है कई बच्चों का, मेरे पास क्वेरी थी कि सब पेरेंट्स के सिग्नेचर में क्या करें, मैं तो अभी यहाँ कोटा रह रहा हूँ और पेरेंट्स मेरे पटना में हैं। बच्चों कुछ भी नहीं करना, आपको खुद ही को उनके साइन कर देने हैं। जैसे मान लिया राजीव है तो राजीव लिख दीजिए, आपके फादर का नाम राजीव है या ओम प्रकाश है, जो भी है वो आपको लिख देने हैं। अभी इसके लिए कोई पजल होने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों एक चीज यहाँ पर डिक्लेरेशन में उसने मांगी है, डेट ऑफ अराइवल सिटी, कि आप कहाँ से आ रहे हैं। बच्चों मान लिया आप कोटा में ही रह रहे हैं लास्ट 2-3 मंथ से, तो कोटा ही लिख दीजिए। मान लिया अभी तो आप बच्चे रह रहे थे दिल्ली, आपका सेंटर आ गया है कोटा में, तो फिर यहाँ पर दिल्ली लिख दीजिए। तो बच्चों इस टाइप से ही आप लोगों को लिखना है, क्लियर। बोलिए बच्चों इसके अंदर और किसी इस पेज पे किसी और कोई डाउट को आपको पूछना हो तो बता दीजिए, कोई और डाउट आपको पूछना हो तो बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको कुछ और कुछ पूछना है इस पेज पर। मेरे ख्याल में यही 3-4 पॉइंट थे बच्चों, जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज थे उसके अंदर और कोई आई थिंक नहीं है, क्लियर है सबको। चलिए अब आते हैं बच्चों पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2। चले क्लियर है बच्चों, यस और नो बोलते जाइए जल्दी से, नो डाउट, ठीक है। चलिए चलिए अब आता है पेज नंबर 2। अभी बच्चों उन्होंने इस पेज नंबर 2 में नया भी दे दिया है, कोई पजल होने की जरूरत नहीं है। नया इसलिए दे दिया है कि आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो का साइज है वो प्रॉपर इस बॉक्स में आ सके, तो हमें कोई इतना पजल होने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो बच्चों यहां पर आप लोगों को आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है 4x6 का वो पेस्ट करना है, ये पेज नंबर 2 पर वो पेस्ट करना है। और बच्चों कैंडिडेट और इन्विजिलेटर दोनों के साइन इस पर होने हैं। कैसे साइन होने हैं, मान लिया सुनील बिश्नोई है तो बच्चे आधा नीचे और आधा फोटो के ऊपर करते हुए साइन करने हैं। मान लिया मैं इन्विजिलेटर हूं पंकज तलवार,
तो आधा ऊपर और आधा नीचे करते हुए मुझे यहां पर साइन करने हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, फोटो पेस्ट करके जाइए, साइन वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहां पर आते हैं इन्विजिलेटर के साइन, वो तो करेंगे ही करेंगे, जैसे पंकज इन्विजिलेटर है तो मैंने साइन कर दिए बच्चों। अब सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर बच्चों, ये भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में करने हैं, इन्विजिलेटर के सामने करने हैं, घर से कर कर नहीं लेकर जाने हैं बच्चों, ये भी आपको वहीं पर साइन करने हैं, ठीक है। और कोई डाउट बच्चों पूछ लीजिए, घर से नहीं करने हैं बच्चे, घर से नहीं करने हैं, वहीं पर करने हैं, क्लियर। अब बच्चों कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिखे हुए हैं बच्चों, जैसे आप लोगों को क्या लिखा है, क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, ठीक है बच्चों। गेट टाइम 1:30 पर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। अब कुछ का बच्चों का कहना है, सर मेरा तो 11 बजे टाइम दे दिया है रिपोर्टिंग का, क्या मैं 11 बजे 3 घंटे पहले चला जाऊं? बच्चे अगर आप कंफर्टेबल है तो जरूर चले जाइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 30-40 मिनट्स लेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, वो भी कब, जब 11 बजे है। अगर 11:30 है तो 30 मिनट्स तक का वेरिएशन ही मानिए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं मानिए, क्योंकि वहां पर बच्चों अगर भीड़ इकट्ठी हो गई तो आपको हो सकता है कि अंदर जाते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए और आप बच्चों उस स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, जिससे पेपर के अंदर आप लोग हौच-पौच ना हो, इसलिए बेटर है टाइम पर ही चले जाइए और बच्चों जाकर आराम से अपना एंटर हो जाइए, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, हाँ 1 PM है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ PWD वालों बच्चे, वही बता रहा हूं मैं, हाँ डाउनलोड द बच्चे केयरफुली कर ही लिया है, ये सब पॉइंट हो गए हैं, ये आप जानते ही हैं। एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू विजिट द एग्जामिनेशन वेन्यू, एक दिन पहले देख लीजिएगा कहाँ पर आपका सेंटर आ रहा है। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स, आपको बच्चों अपनी एक एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर जानी है, ये ध्यान रखना, एक फोटो लेकर जानी है जो वहीं पर आपको अटेंडेंस शीट में पेस्ट करनी पड़ेगी। एक बच्चों आपको पर्सनल अपनी ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर जानी है पानी की, वो भी ट्रांसपेरेंट, डार्क कलर की नहीं चलेगी, कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए बच्चों। हैंड सैनिटाइजर आपको लेकर जाना है, एडिशनल फोटोग्राफ मैंने बता दिया है, वो ही लेकर जाना है जो आपके एडमिट कार्ड पर अपलोड है बच्चों। एडमिट कार्ड के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन जो मैंने आपको बताया था वो भी लेकर जाना है, और उस पर पोस्ट कार्ड साइज की फोटो पेस्ट कर कर लेकर जानी है। और बच्चों आपको लेकर जाना है PWD सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है अगर कोई PWD कैंडिडेट्स है तो। और बच्चों आप लोगों को लेकर जाना है क्या, वैलिड आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड बच्चों ये रहा, एनी वन ऑफ द ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड लेकर जाना है, जिसमें पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, 12th क्लास का बोर्ड एडमिट कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकते हैं, आधार कार्ड हो सकता है, ये सब आप ले जा सकते हैं, ठीक है। यस बहुत ही अच्छी बात। हाँ ग्लव्स बच्चे लेकर जाइए, ग्लव्स आप ले जाएं तो अच्छी बात है, वैसे इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नहीं भी ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोलिए बच्चों, ग्लव्स इतना कोई मेन इशू नहीं है, और बोलिए बच्चों क्लियर है बच्चों। PWD कैंडिडेट्स अपने रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह लेकर जाएंगे बच्चों, वहां पर आपका टेम्परेचर वगैरह मेजर किया जाएगा, तो रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ किसी को बच्चों मान लिया अभी बुखार आ रहा है, कोरोना है, तो उसको सेपरेट रूम में सिटिंग का मौका मिलेगा, आप जल्दी ही सेंटर पर पहुंच जाइए। किसी को अगर बुखार आ रहा है या कोई कोरोना से बच्चों मान लिया है तो बच्चों एग्जाम देने जाना चाह रहा है तो जाइए, बिल्कुल मास्क वगैरह लगाकर जाइए, ये ध्यान रखना, सैनिटाइजर साथ में लेकर जाइए, सब बच्चों के लिए इसेंशियल है, ये दोनों चीजें तो बहुत इसेंशियल है, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेकर जानी है बच्चों, ये ध्यान रखना। PWD बच्चे फिजिकली हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
हाँ जी क्लियर है बच्चों, एट द टाइम ऑफ एंट्री बच्चों ये आपका लिखा है कैंडिडेट नीड टू मेंटेन अ स्पेयर्स। बच्चों मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, तभी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सब बच्चे 1 बजे पहुंच रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, कोरोना की गाइडलाइंस बंद हो सकती है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है चलिए बच्चों, और कोई आपकी तरफ से क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए। डिक्लेरेशन पेज ये रहा बच्चे, डिक्लेरेशन पेज ये रहा, यहां पर आप लोगों को कैंडिडेट के साइन कर कर लेके जाने हैं। यहां बच्चों हैंड का थंब लगेगा लेकिन वहीं पर लगेगा, और यहां पेरेंट्स के सिग्नेचर कर कर लेकर जाइए। ये पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स करिए, साइन वहीं पर करने हैं, साइन घर से कर कर नहीं ले जाने हैं, वहीं पर करने हैं। ठीक है चलिए क्लियर। बच्चे नया निकालिए नेहा, अगर आपका 4x6 का फोटो आपका हो रहा है तो ये पेज नंबर 2 नया प्रिंट आउट निकालिए, पेज नंबर 2 का न्यू प्रिंट आउट निकालिए। नए वाले में उन्होंने सही बॉक्स बनाकर दिया है, यही डिफरेंस है और कोई नहीं है। कोई कह रहा है सर न्यू एडमिट कार्ड ओल्ड एडमिट कार्ड में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, पेज नंबर 2 को न्यू निकाल लीजिए बस, उसमें आपका सही आ जाएगा। हाँ जैसे है वैसे ही रखना है बच्चों। ठीक है चलिए बच्चे, सनशाइन आप ध्यान रखिए, सेकंड वाले एडमिट कार्ड में चेंज हो रहा है बच्चे, एक बार वहां पर आप मेल करिए या फोन कर पता करिए, ऐसा चेंज होना नहीं चाहिए सेंटर्स का। ठीक है चलिए बच्चों, ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिए हैं। अब बच्चों आप लोगों को ड्रेस कोड भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। ड्रेस कोड में लाइट आप लोगों को क्लॉथ पहन कर जाने हैं, लाइट कलर क्लॉथ्स पहनने हैं, डार्क कलर क्लॉथ्स नहीं चलेंगे, आप लोगों को शूज नहीं चलेंगे, स्लीपर या सैंडल्स पहन कर जाने हैं, बड़े बड़े बटन वाले आप लोगों के नहीं चलेंगे, स्मॉल बटन्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है तो सिंपल क्लॉथ्स आप लोगों को पहन कर जाने हैं, लाइट कलर वाले क्लॉथ्स आपको पहन कर जाने हैं, फुटवियर के अंदर बच्चों चप्पल सैंडल्स ये आप लोग पहन कर जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है चलिए क्लियर। चलिए बच्चों आप लोग की प्रैक्टिस के लिए, आपको मालूम ही है मैं स्पेशल फ्री क्लास में गैस पेपर ले ही रहा हूं, कल सुबह लास्ट गैस पेपर है, पेपर बिल्कुल सेम आने के चांसेस बन रहे हैं, तो बच्चों कल बिल्कुल प्रेजेंट रहिएगा। और बच्चों मैंने फिर आपको सेमिनार में भी बोला था, एक बार फिर कह रहा हूं, लास्ट 2 दिन बचे हैं, 2 दिन भी नहीं है, अब तो 1.5 डे है, अपने आप को पेशेंस रखिए, रिलैक्स रखिए। बच्चों इस बंदे की खासियत यही थी कि अपने आप को बहुत रिलैक्स रखता था, बी लॉजिकल इन अप्रोच, बिल्कुल काम डाउन बच्चों, पेशेंस बनाकर साइलेंट जितना रहेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर आएंगे बच्चों, ये ध्यान रखना। नथिंग इज इम्पॉसिबल बच्चों, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, आपका टारगेट आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि मुझे पेपर अच्छे से क्रैक कर आना है, क्योंकि बच्चों नथिंग इज इम्पॉसिबल में इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल और ऑलवेज से योरसेल्फ आई कैन डू, क्योंकि पीटी सर हमेशा आपसे कहते आए हैं यू कैन डू, आप कर सकते हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों। चलिए मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से बिल्कुल पेपर दीजिएगा, फोड़ कर आइएगा, और बच्चों विजयी भव, विजयी भव। और कोई क्वेश्चन हो तो आपका बच्चों बता दीजिए। अंकित क्या कह रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन पोस्ट करिए अंकित। सर आधार कार्ड में अग्रवाल है और एडमिट कार्ड में अग्रवाल है तो दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर अंकित अग्रवाल मेरा नाम लो और विजयी भव करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है चलिए बच्चों, बहुत ही अच्छी बात, शानदार शानदार। चलिए फिर यही कहूंगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, और लास्ट टाइम के लिए बैटल विन कर आइएगा। चलिए बच्चों
बहुत ही अच्छी बात, कल सुबह मिलते हैं गैस पेपर नंबर 4 के साथ सुबह 8 बजे, ठीक है? चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।